टीडी ब्रिटिश के ग्राहकों के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हम लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर टीडी सेट के पास टीडी ब्रिटिश का मामला दर्ज करा दिया गया है, जो कि AIDCF एजेंसी ने करवाया है। इनका यहाँ पर यह कहना है कि डीडी ब्रिटिश बिना कोई परमिशन के, बिना किसी इजाजत के अपने सभी तमाम चैनलों को फ्री टू एयर FTA में दिखा रहा है, जबकि इसकी इजाजत ट्राई या भारत सरकार बिल्कुल भी नहीं देती। यानी कि इनका कहना यह है कि जितने भी तमाम चैनल्स अभी डीडी ब्रिटिश पर आपको मिल रहे हैं, उनके सिग्नल्स को इनक्रिप्ट किया जाए, यानी कि उनके सिग्नलों को लॉक किया जाए, यानी कि उन सिग्नलों को केवल वही कस्टमर देख सकेगा, उन्हीं बॉक्सेस पर वह रिसीव कर सकेगा जो कि डीडी ब्रिटिश के ऑथोराइज सेट टॉप बॉक्सेस हैं। आप समझ रहे हैं मेरी इस बात को? अगर नहीं समझ रहे हैं तो इस वीडियो में बने रहिए, आपको मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर ये वाकई में लागू हो गया तो उससे जितने भी तमाम आपके डीडी ब्रिटिश के बॉक्सेस घर पर लगे हुए हैं वो सभी कबाड़ हो जाएंगे, वो सभी कूड़ा हो जाएंगे, उनका इस्तेमाल जीरो हो जाएगा। रीजन क्या है? रीजन यही है कि अगर ये नियम लागू हो गया तो। चैनल पे पहली बार आए हो तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जरूर मिलते रहे। तो बताना चाहूंगा कि AIDCF एक एजेंसी है जिसने टीडी सेट के पास डीडी ब्रिटिश के खिलाफ एक मामला जो है वो दर्ज किया है, और इस मामले के मुताबिक इनका यहाँ पर ये कहना है कि ट्राई के अकॉर्डिंगली, ट्राई के जो रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंगली कोई भी DTH कंपनी किसी भी टीवी चैनल के सिग्नल्स को फ्री टू एयर नहीं दिखा सकती। तो ऐसे में डीडी ब्रिटिश जो है उसकी पॉलिसी का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि इससे होता यह है कि कोई भी चाहे तो किसी भी तरह से डीडी ब्रिटिश चैनल्स को फ्री टू एयर FTA में दिखा सकता है। यानी कि डीडी ब्रिटिश को तो अपनी पेमेंट मिल जाती है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे बहुत से हो सकता है कोई केबल टीवी ऑपरेटर्स हो जो कि कोई किसी भी तरह से डीडी ब्रिटिश से चैनल्स को उठा के बिल्कुल फ्री टू एयर FTA में दिखा सकता है। तो ये भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, इनके आपस के मामले हैं, लेकिन जनता पर इसका क्या असर होगा, डीडी ब्रिटिश की ऑडियंस पर इसका क्या असर पड़ेगा, वो जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर इसका असर वाकई में हो गया तो होगा ये कि आपके जो भी तमाम बॉक्सेस हैं उन पर आप चैनलों को नहीं देख पाओगे, उस पर आपको इंक्रिप्शन या फिर स्क्रैम्बल जो है वो देखने को मिलेगा कि ये जो चैनल है आपको सब्सक्राइब करना होगा, इसके अलावा आप इसको नहीं देख पाओगे। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए होगा ये कि आपको डीडी ब्रिटिश का ऑथोराइज्ड, जैसे कि आपने सुना होगा काफी समय पहले एक आई केस नामक बॉक्सेस जो थे वो काफी प्रचलित थे, तो उन बॉक्सेस पर ही जो है आप डीडी ब्रिटिश के सर्विसेज को आनंद ले पाओगे, जबकि आपके फिलहाल जो भी MPG2 या फिर MPG4 के बॉक्सेस लगे हुए हैं वो जीरो हो जाएंगे, वो डेड हो जाएंगे अगर ऐसा इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि डीडी ब्रिटिश इसमें सफल नहीं हो पाया, कोशिश उन्होंने पहले भी की थी लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए, क्योंकि जो IKS बॉक्सेस उसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, कई तरह के बग्स हैं, जिसकी वजह से जो है बॉक्स सफल नहीं हो पाया और लोगों तक पहुंच अच्छे से नहीं पाया। कुछ ही लोगों के पास मेरे ख्याल से बॉक्स होगा, इसके अलावा हर एक के पास वो बॉक्स अवेलेबल नहीं है, और यही कारण है कि डीडी ब्रिटिश ने अपने सभी तमाम चैनलों के सिग्नल्स को इनक्रिप्शन करने के बजाय फ्री टू एयर FTA रखा हुआ है, ताकि जो कस्टमर किसी भी तरह का फ्री टू एयर बॉक्स लगाएं तो उस पर वो डीडी ब्रिटिश की सर्विसेज को देख पाए। लेकिन उससे होता यह है कि बहुत से जो सर्विसेज है वो आउट ऑफ द कंट्री भी फ्री में मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान या कुछ आसपास के कंट्रीज की बात करें तो वहां तक अगर डीडी ब्रिटिश के सिग्नल्स की पहुंच है तो वहां के कस्टमर भी बिना कोई एक्स्ट्रा पे किए इन चैनलों का आनंद ले सकते हैं। तो अगर ऐसा इंक्रिप्शन मोड अगर शुरू हो गया इंडिया में डीडी ब्रिटिश के लिए, तो बाहर कंट्रीज के लोगों को भी देखना मुश्किल हो जाएगा, वो भी डीडी ब्रिटिश को नहीं देख पाएंगे। और इंडिया में भी बहुत से लोगों को जो है इसका असर होगा, क्योंकि बहुत से कस्टमर्स को मालूम ही नहीं होता कि IKS क्या इस चीज का नाम है भाई, कि डीडी ब्रिटिश के कौन से ऐसे बॉक्स आते हैं। क्योंकि अगर आपको मैं और भी साधारण तरीके से समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे कि आपका डिश टीवी के बॉक्स में केवल डिश टीवी का चैनल चलता है, टाटा स्काई में केवल टाटा स्काई का चैनल चलता है, एयरटेल में केवल एयरटेल के चैनल देख पाते हैं, किसी और DTH के नहीं देख पाते हैं, उसी तरह से डीडी ब्रिटिश के साथ भी ऐसा हो सकता है अगर ये नियम लागू हो गया तो। अगर ये केस में कहीं ना कहीं जीत गए तो या इस फैसले पर मोहर लगा दी गई तो, कि डीडी ब्रिटिश के जो बॉक्सेस होंगे IKS वाले या जो भी आने वाले समय में रिलीज कर सकते हैं, तो उसी पर ही आप डीडी ब्रिटिश की सर्विसेज को देख पाओगे, अन्यथा नहीं देख पाओगे। तो ये सबसे बड़ा जो इशू है वो हमारे बीच खड़ा हुआ है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस पर जल्दी इंप्लीमेंटेशन होगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद है, 40 मिलियन सब्सक्राइबर बेस कम नहीं होता। इन लोगों को समझाना, बुझाना, बताना ये बहुत कठिन कार्य है, और इसके लिए काफी करोड़ों रुपए का खर्चा भी आ सकता है, और डीडी ब्रिटिश को बॉक्सेस को भी बल्क में रिलीज करना पड़ेगा, लोगों को जगह जगह पे पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जैसे भी मर्जी लोगों ने कहीं ना कहीं से किसी भी तरह से बॉक्सेस को खरीद लिया है, लेकिन अब लोगों तक बॉक्सेस को चेंज कराना ये बहुत बड़ा टास्क होगा। तो मेरे ख्याल से डीडी ब्रिटिश इसको हैंडल नहीं करेगा,
और आने वाले समय में अभी होगा नहीं होगा फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी की बात करें तो फिलहाल डीडीएफ रेडियो इसके लिए रेडी नहीं है और हम चाहते भी हैं कि ना रेडी हो, क्योंकि इससे ऑडियंस का भी जो है वो भला हो रहा है, बहुत से लोग जो है वो बिना कोई अतिरिक्त चार्ज के अभी काम मनोरंजन ले पा रहे हैं। आपको क्या लगता है, फैसला सही होगा कि डीडीएफ रेडियो के सिग्नलों को लॉक कर दिया जाए और केवल उन्हीं बॉक्सेस पर दिखाया जाए जो कि डीडीएफ रेडियो के द्वारा बनाए गए हैं, या फिर जो भी सिस्टम चल रहा है उसको चलने देना चाहिए? जो भी आपके मन में सवाल हो अपने राय अवश्य रखिए। नमस्कार।